पुराना प्लान बड़ा खामियाजा तब लागू हुआ होता तो पैसा बच जाता। सूबे पर पड़ा 300 करोड़ का बोझ, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 900 करोड़ का काम अब 1200 करोड़ रुपए लगाकर होगा। 2011 में रिंग रोड के विकास की परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन जमीन तलाशने में देरी हो गई। अब सवाल है कि 300 करोड़ रुपए का बोझ किस पर आने वाला है और विकास का बोझ बनाने वाला कौन है? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विकास का काउंटडाउन सियासी समीकरण के आगे रुक गया और खामियाजा ये हुआ कि 900 का बजट 1200 तक पहुंच गया। लेकिन सवाल है कि पैसा बर्बाद हुआ तो वजह कौन बना? 2007 में रिंग रोड का काम चालू हुआ था, उसके बाद में 5 साल हमारे विपक्ष की सरकारी गहलोत जी की, उसमें रिंग रोड का बिल्कुल भी काम उन्होंने नहीं किया। और जैसे ही वसुंधरा जी सरकार में बैठे, उनकी इच्छा शक्ति से जो काम पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो काम 10 दिन में हमने करके दिखाया। भाजपा सरकार ने, जब उनके कमिश्नर ने लोगों पर डंडे बरसा करके और जमीनों को रात रात दिवाली के समय खाली करवाया और लोगों को रात में ठंड में बाहर रहने को मजबूर किया, तो पीठ थपथपाई थी। तब लोगों ने सोचा था कि ठीक है, यह अराजकता सहन कर लेते लेकिन रिंग रोड का काम गति पकड़ेगा। परंतु इतनी बड़ी अवस्था होने के बाद, जनता का शोषण होने के बाद, आज ये अवस्था आ गई है कि रिंग रोड ऑपरेट करने वाली कंपनीज जो है उन्होंने हाथ खड़े किए। और जो बजट है उसमें मुझे लगता है कि 800 कुछ करोड़ का बजट था जो 1200 करोड़ तक जा रहा है। रिंग रोड के विकास का मसला 2011 में कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ। रिंग रोड पर काम के लिए करार 890 करोड़ में हुआ, लेकिन तब की सरकार को सरोकार से ज्यादा पार्टी की छवि का ख्याल नजर आने लगा। परियोजना शुरू तो हो गई लेकिन जमीन की तलाश बरकरार रही। देखिए, रिंग रोड परियोजना में हम लोगों ने जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स थे उसमें से एनवायरमेंट क्लियरेंस प्राप्त कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने कंसेंट टू एस्टैब्लिश की एप्लीकेशन पोल्यूशन कंट्रोल में बोर्ड में लगाई थी, जिसको आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई है मेरी और उन्होंने आज ही उसका अप्रूवल कर दिया है। तो इस तरीके से जितनी रेगुलेटरी बाधाएं थी वो दूर हो गई है। बीजेपी की सरकार आई तो जेडीए को जमीन मिल गई, लेकिन जिन कंपनियों से करार था उसने अपना बजट बढ़ा दिया। अब 900 करोड़ का काम 1200 करोड़ में होगा और सरकारी खजाने पर बोझ 310 करोड़ बढ़ेगा। अब सवाल है कि सियासी समीकरण और सरोकार के बीच का मुजरिम कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रिजेश सिंह, समाचार प्लस। चलिए, तो परियोजना का काम शुरू होना था 2011 में, अब तक परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ है और इसकी जो लागत है वो बढ़कर 310 करोड़ रुपए बढ़ गई है। अब ये 310 करोड़ रुपए आगे आएंगे कहां से? क्या ये आम जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं है, बेजा इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि जो टैक्स पे ही जनता है उनका पैसा है? और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों इतनी देरी इसमें हुई है। विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज गर्ग साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, बद्री नारायण शर्मा जी, संयोजक हैं रिंग रोड संघर्ष समिति के, आप तीनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज चर्चा की शुरुआत गिरिराज गर्ग साहब आपसे करूंगा। आखिरकार जब आपकी सरकार ये परियोजना लेकर आई, क्यों नहीं उसी वक्त जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया? तमाम चीजों जो समस्या पहले आनी थी उन समस्याओं का निराकरण पहले क्यों नहीं कर लिया गया, ताकि आज जो स्थिति बनी है 310 करोड़ रुपए अधिक पड़ रहे हैं वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती? देखिए, उस समय जो सरकार थी धर्मराज जी, उस सरकार ने योजना इसलिए बनाई थी कि जयपुर में ट्रैफिक का जो दबाव था, भारी वाहन जो आते थे और जिससे दुर्घटनाएं होती थी, उसके लिए एक प्लान बनाया था और उस प्लान के ऊपर काम होना था। लेकिन बार बार किसान जो है वो कोर्टों में चले गए और लिटिगेशन के कारण एक प्रोजेक्ट लेट हुआ। इसमें सरकार की मंशा कहीं ना वो नहीं थी, खराब नहीं थी। सरकार चाहती थी कि जयपुर की जनता को राहत मिले और रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो, लेकिन बार बार लिटिगेशन और बार बार ना कोर्टों के अंदर ये मामला उलझता रहा। किसान जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर जेडीएस के खिलाफ जो है वो सरकार के खिलाफ कोर्टों में जाता रहा, इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है उस समय पूरा नहीं हो सका। लेकिन आप देखिए कि अक्टूबर में दीपावली के त्योहार जैसे के ऊपर जनता को बेदखल करके सरकार ने जमीन खाली कराई। उस समय इन कंपनियों से बात नहीं की गई, मतलब जमीन खाली होते ही कंपनियां मुकर गई।
जबकि कंपनियां उस समय तक नहीं मुक रही थी, उस समय कंपनियां बहाना लगा रही थी कि हमें जमीन दे दो हम चालू कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि जमीन जैसे ही सरकार ने खाली कराई कंपनियां मुकर गई काम करने के लिए कि साहब प्रोजेक्ट बढ़ गया। तो जब जमीन खाली नहीं थी उस समय कंपनियों ने क्यों नहीं कहा ये बात, जमीन खाली होते ही कंपनियां मुकर गई, कहीं ना कहीं इसके अंदर कंपनियों की जो है मैलाफाइड इंटेंशन जो है वो सामने आ रहा है। नहीं, जो मेरा मूल सवाल था, जब इस तरीके के प्रोजेक्ट में देरी होती है तो लागत बढ़ता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। विजय शर्मा से मैं जवाब लूंगा, उससे पहले बद्री नारायण जी, ये समस्या क्यों आई 2011 की परियोजना में, इतनी देरी क्यों हुई? देखिए, ये रिंग रोड नहीं है, ये व्यापार का अड्डा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। रिंग रोड सिर्फ 90 मीटर बननी थी, आप कह रहे थे कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई, कांग्रेस ने हमेशा किसान के हित की बात की। यह आप तो हुई है बीजेपी के गत सरकार 2005 के टाइम पे रिंग रोड 360 मीटर, हमारा किसानों का कहना यह है कि रिंग रोड किसानों जनता के लिए चाहिए, सिर्फ 90 मीटर के लिए रिंग रोड की जमीन आपको चाहिए। 90 मीटर की जमीन शुरू से हम 2005 से कह रहे हैं कि रिंग रोड के लिए जमीन ले लीजिए, लेकिन रिंग रोड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 1 बीघा की जगह 4 बीघा जमीन उन्होंने आप करी, 4 गुना जमीन आप करी, इसका विरोध 2005 से किसान करते आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहते ही किसानों के प्रति लगाव नहीं रहा, इन्होंने जमीन 5000 पुलिस फोर्स 13 राज्यों की पुलिस फोर्स बुला के जमीन खाली कराई। ये काम तो अशोक गहलोत सरकार भी करा सकती थी, इन्होंने क्या उपलब्धि कर ली, क्षेत्र एमपी और एमएलए आगे आगे पुलिस के आगे चल रहे हैं और किसानों को 10 दिन आगे दीपावली है, नवरात्रों के पदिन मंदिरों में चल रहे हैं, नवरात्र चलते हुए पुस्तकें रामायण की दाप दी गई, हनुमान जी के मंदिर उखाड़ दिए गए, किसानों को बेदखल कर दिया गया और किसान 8 दिन तक पानी के लिए और बिजली के लिए तरस रहे, उनकी ऐसी स्थिति कर दी। ठीक है, ये विकास है। ठीक है, आपकी बात आ गई। विजय शर्मा जी, तमाम आरोपों के घेरे में आपकी पार्टी और आपकी सरकार आ रही है। विजय जी, हाँ धर्मराज जी, कोई भी कार्यक्रम जब भी कोई चीज किया जाता है तो उसके निश्चित रूप से जिसको बेदखल किया जाता है या जिसके लिए हटाया जाता है उसका दुख होता है, और इसको एक एक आम आदमी के नाते, मैं भी उसी आम आदमी का एक हिस्सा हूं, पार्टी एक अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से दुख होता है। लेकिन बात आज जो विषय रखा गया है कि आज 900 करोड़ की जगह 1200 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए, 310 लगभग 310 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग रही है, वो कंपनियां मांग रही है जो 2011 के अंदर 890 करोड़ के आसपास काम करने के लिए तैयार थी। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार अगर आप सीधे तौर पे देखो तो कांग्रेस की जिम्मेदार है, उन्होंने वहां के स्थानीय, आपने कंपनियों से तो तय कर लिया, लेकिन आपने वहां की जमीन, वहां के लोगों को आप समझा नहीं पाए, वहां के लोगों को ये बता नहीं पाए कि ये रिंग रोड की आवश्यकता क्यों है, आप ये नहीं बता पाए कि वहां के जो रिंग रोड आएगा उससे वहां का भी डेवलपमेंट होगा। अमिताभ जी, अगर कांग्रेस ने 2011 में थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाई होती तो शायद आज ये समस्या नहीं रहती। देखिए, इसमें ये बड़ा विषय है और ये केवल जयपुर तक ही महदूद नहीं है, विषय राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की समस्याएं आए दिन आ रही हैं हर राज्य में। इसकी मैं दो वजह मानता हूं। एक पहली वजह, सरकारें जब निर्णय करती हैं कि ये प्रोजेक्ट लाना है तो जो स्टेक होल्डर है, जो जमीन का मालिक है, उसके पास भी जाना चाहिए निर्णय करने से पहले, निर्णय करने के बाद नहीं, निर्णय करने से पहले सरकारों को उन जमीन के मालिकों के पास जाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि जमीन उनकी है, उनको भी समझाइए, बताइए कि यह प्रोजेक्ट जनता के लिए क्यों जरूरी है, इससे क्या लाभ होगा, उनके इलाके का क्या लाभ होगा, उनका क्या लाभ होगा, उनकी पीढ़ियों का क्या लाभ होगा। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी आदमी ऐसा है जिसको आप ये बताएं कि आपकी पीढ़ियों का भविष्य अच्छा हो जाएगा और फिर भी वो रोड़ा अटकाए, नहीं, ऐसा नहीं। और दूसरी बात जो मैं मानता हूं कि हर जगह, दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन हुआ, जीएमआर को ठेका दिया गया वो, या बड़ा एक ठेका दिया गया यमुना एक्सप्रेसवे पे जेपी ग्रुप को ताज एक्सप्रेस बनाने के लिए, उन सब जगह ये सवाल उठा कि जितनी जमीन चाहिए थी उससे 1.5-2.5 गुना 3 गुना ज्यादा जमीन क्यों, हर जगह यह सवाल उठा है देशभर में। इससे बचना चाहिए, सड़क के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी ही ठीक, स्कूल के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी ही लीजिए,
अस्पताल के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी ही लीजिए, उसके अतिरिक्त नहीं। और तीसरा प्रश्न जो उठा कि लागत बढ़ गई। लागत बढ़ने में एक तो सामान्य प्रक्रिया है कि महंगाई की दर जितनी बढ़ती है हर साल उतनी लागत तो बढ़ी जाएगी, स्वाभाविक है। लेकिन हिंदुस्तान के जो ये बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट है ना, इनमें लागत बढ़ने के पीछे कुछ हिडन एक्टिविटीज भी जिम्मेदार होती है, छुपी हुई गतिविधियां। कैसे? कई बार जानबूझ के चीजों को स्लो होने दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि अब तो लागत बढ़ गई, क्या करें, अब तो इसी पर कराना पड़ेगा। यह भी जनता के साथ ठीक नहीं। मेरी समझ में तीन बातें आई। एक, जनता से पहले राय मशविरा करिए, तब प्रोजेक्ट फाइनल करिए, तब कंपनियों को बुलाइए। एक, आ रहे हैं आपके पास बद्रीनाथ जी, आ रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरा, ये देखिए जितनी जमीन चाहिए सिर्फ उतनी ही लीजिए, क्योंकि जमीन का किसान के साथ मां और बेटे का रिश्ता है, उस भावना को भी समझना होगा। हिंदुस्तान में विकास भी करना होगा और किसान को भी समझना होगा, एक संतुलन सरकारों को बनाना होगा। और तीसरी बात, जो लागत में वृद्धि है ना, इसको पर अंकुश तो लगाना होगा। हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे के सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट सरकार पर बोझ है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक, जहां तमाम गैर व्यवहारिक तरीकों से लागत बढ़ा दी गई। ये जनता पर बोझ होता है आर्थिक, इससे भी बचना चाहिए। चलिए बद्रीनारायण जी कुछ कह रहे थे। बद्रीनारायण जी, मैं कह रहा हूं अग्निहोत्री जी, जी इनके पास भाजपा वालों के पास जवाब नहीं, एक बीघा जमीन की आवश्यकता था, आपने चार बीघा क्यों ली? हमारा ये कह रहे हैं हमने जमीन ले ली, खाली करा ली। अभी इनके पास 60% जमीन आई है, 40% जमीन किसानों की कोर्ट में है। माननीय न्यायालय के यहाँ जो डबल बेंच में हमारा स्टे हुआ 17 बीघा जमीन पे, माननीय डबल बेंच ने ये पूछा इनके एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल से, कि हिंदुस्तान की सरकार अगर चार एक बीघा की आवश्यकता और चार बीघा जमीन लेते रहे तो पूरा हिंदुस्तान की खेती खत्म कर दो आप। जब न्यायालय में विचाराधीन मामला है और पुलिस के डंडे के ब्याह पे इन्होंने जमीन खाली करा ली, ऐसे तो पूरे राजस्थान ही खाली करा लीजिए। ये कोई लोकतंत्र की सरकार थोड़ी है, ऐसा तो अंग्रेजों ने काम नहीं किया। बद्री बाबू एक मिनट आपकी बात आ गई, बहुत संक्षेप में आ जाती बात। विजय शर्मा जी, जितनी जमीन चाहिए थी परियोजना के लिए, क्या उससे ज्यादा जमीन ली गई है, हाँ या ना? अमिताभ जी, देखिए ये एक जांच का विषय हो सकता है, अगर ऐसी चीज है। नहीं विजय जी एक सेकेंड, ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी की मृत्यु का मामला नहीं कि आयोग बने, ये तो बहुत सरल मामला है भाई। कितनी जमीन चाहिए सबको वो रिकॉर्ड में होगा, कितनी एक्वायर हुई वो भी रिकॉर्ड में होगा। बद्रीनारायण जी बार बार उंगली मत उठाइए, मेरी बहस में डिस्टर्बेंस होता है ना विजय जी, वो भी फाइल पर होगा कितनी एक्वायर हुई और कितनी रिक्वायरमेंट है, उसका भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी होगी डीपीआर, राइट? इसमें तो कुछ भ्रम ही नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या जितनी जमीन चाहिए थी उससे ज्यादा ली गई है? नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और इसके लिए बद्रीनारायण जी ने कोर्ट के अंदर कोई केस भी फाइल कर रखा है और मैं निश्चित रूप से मानता हूं उसके ऊपर न्याय होगा। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए हमारा पूरे संविधान के ऊपर, हमारे को चाहे यहाँ पे बैठे तीनों बंधु हो या हमारे राजस्थान या हिंदुस्तान कोई भी नागरिक हो, हमारी न्यायपालिका पर उसको भरोसा है। नहीं, नहीं, और आप निश्चित रूप से मानिए अगर ऐसा कुछ भी होगा तो जांच के अंदर न्यायपालिका तक मामला जाए क्यों? मैं तो बेसिक बात कह रहा हूँ, कोई राज्य सरकार हो, किसी राज्य की हो या हुकूमत हिंदुस्तान हो, ये एक ईमानदारी सब क्यों नहीं बरते कि भाई स्कूल के लिए जितनी जगह चाहिए सरकारी स्कूल के लिए उतनी ही जगह लो, अस्पताल के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी लो, एयरफोर्स के विमान उतारने के लिए, हवाई अड्डा बनाने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी ही लो। विजय जी इसमें क्या दिक्कत है? अतिरिक्त जमीन का तो कोई औचित्य ही नहीं। देखिए सरकार की नजर में अभी तक ऐसा कोई मामला आया नहीं है और अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से आप मानिए हमारी जो भी सरकार। बद्रीनारायण जी, बद्रीनारायण जी, क्या क्या मेरा सवाल कहता हूँ, बद्रीनारायण जी मेरा सवाल सुनिए तब बोलिए, ये मंच नहीं ना संघर्ष समिति का कि जब माइक पकड़ा और बोले, सवाल सुनिए पहले। मेरा सवाल ये कह रहे सरकार की जानकारी में नहीं है, क्या आप सरकार की जानकारी में ये बात ला चुके हैं? अग्निहोत्री जी,
2005 से हम संघर्ष कर रहे हैं, इनके इनके 2005 से हमारी वार्तालापें हो चुकी, कई बार मीटिंग हो चुकी, बीच में 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रह चुकी। अभी आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, कांग्रेस अगर लोकतंत्र के खिलाफ और किसानों के विरोध काम करती तो वो डंडे जोर में लेती। मैं ये कहता हूं कि रिंग रोड का विरोध किसान नहीं कर रहा है, ये लागत बढ़ी है, ये नियत खराब की वजह से बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है इसमें। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 1 बीघा जमीन की जगह 4 गुणा जमीन आपने 4 बीघा जमीन क्यों ली? 90 मीटर पे रोड बननी है, आपने 360 मीटर जमीन क्यों ली? 90 मीटर रोड का कॉरिडोर है और 135 इन्होंने डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाया, जो बेचेंगे किसान की जमीन भी बेच रहे हैं और चलने वाले से टोल ले रहे हैं। ये रोड नहीं बना रहे, रोड बन रही है बीओटी पे रोड बन रही है, फिर काय की वाला ले रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं। अरे रोड के नाम में आप 4 गुणा जमीन किसान खा रहे हो, चलने वाले से टोल ले रहे हो, तो ये क्या कहना है? बद्री नारायण जी एक मिनट, ये लैंड एक्विजिशन के मुद्दे पर हम नहीं बात कर रहे, हमारा मूल फोकस ये नहीं है, हमारा मूल फोकस है कि लागत जो बढ़ा है उस मुद्दे पर आज हम फोकस करें, उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। एक मिनट, ये गिरिराज गर्ग साहब, अगर सरकारें इच्छा शक्ति दिखाती, उस वक्त आपकी पार्टी की सरकार थी, अगर थोड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती, क्योंकि चुनाव आने वाले थे तो आप लोग किसानों से बैर लेने की स्थिति में नहीं थे, अगर उस वक्त थोड़ी इच्छा शक्ति दिखा देते तो शायद आज स्थिति उत्पन्न होती नहीं। इच्छा शक्ति की ना तो ना, उस समय भी सरकार के जो नुमाइंदे थे, सरकार जो थी कांग्रेस की इच्छा शक्ति थी, इच्छा शक्ति होने के कारण ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी अमिताभ जी ने कही कि जब किसान का जमीन के साथ माँ बेटे का संबंध होता है, जब आपको 90 मीटर की आवश्यकता है, आप तो 360 मीटर जमीन ले रहे हैं और बाकी की जो जमीन है रोड के अलावा उसको आप बेच के सौदा करना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, बीओटी के आधार पर रोड बननी है, टोल अलग लेना है, तो सरकार की मर्जी है। हमें लेना होगा 5 महीने पहले की जमीन खाली, अधिग्रहण सरकार की जमीन लेने की जमीन खाली है। आपने महेश जोशी को मीडिएटर बनाया था, सरकार की इच्छा शक्ति होती एक और विजय जी हो जाता तो ये जो रेट 300 करोड़ साहब, अरे हम रेट पे नहीं जा रहे हैं, आपने महेश जोशी को मीडिएटर बनाया था, वो ग्रामीणों से बात करें, क्यों वो मुकर गए थे? निश्चित रूप से ना, जयपुर के एमपी थे, उनको मीटिंग बनाया था, लेकिन कांग्रेस जो है वो जनता के मामले से कराना चाहती थी, लाठी के बल पे खाली नहीं कराना चाहती थी, और सरकार ने हट धर्मता रखी, उसके बाद भी पूरी जमीन खाली नहीं हुई, आज भी न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं। नहीं नहीं, वो अलग क्यों हो गए उससे, जब आपने मीडिएटर बनाया मीडिएटर ही अलग हो गए क्यों? एक मिनट, महेश जोशी को मेरा सवाल, क्या ये ज्यादा व्यवहारिक नहीं होगा? धैर्य से सुनिएगा, सबसे यही सवाल को उत्तर लूंगा, विजय शर्मा से भी, बद्रीनारायण जी से भी, आपसे भी, पहले आपसे, क्या ये ज्यादा व्यवहारिक नहीं हो कि किसी भी सरकार को अगर कोई सार्वजनिक हित की परियोजना लानी है बुनियादी ढांचे में, तो पहले जितने किस्म के एक्विजिशन और लीगल सैंक्शंस चाहिए, आप समझ रहे, ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण, दिस दैट, जितने भी तरह की परमिशंस चाहिए और जितनी भी तरह के एक्विजिशंस करने हैं, सारा काम पूरा कर ले, तब कंपनियों से मोल भाव करे, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए कि आप 300 करोड़ ज्यादा लेंगे जी। ये इसमें क्या खराबी, इस अगर इस रास्ते से चले सब लोग, गिरिराज जी पहले आप जवाब दीजिए। निश्चित रूप से अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं 100% इस देश के अंदर ये नीति लागू होनी चाहिए, और इस नीति के ऊपर अगर काम हो तो ये प्रोजेक्ट अटके ही नहीं। लेकिन अभी आप देखिए जो भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार लेके आई है, फिर प्रोजेक्ट लेट होंगे, गिरिराज भाई वो लंबा विषय हो जाएगा। अभी तो मैंने बद्रीनारायण जी मेरा सवाल सुन लिया आपने, बस उतने पे जवाब दीजिए, उतने पे। मैं ये कहता हूं जी अग्निहोत्री जी, जी मेन मुद्दा था किसान का मुआवजा और जमीन अधिक लेने का, ये लागत बढ़ी क्यों बढ़ी? इनके पास जमीन नहीं उपलब्ध हुई, इसका कारण ये था कि किसान को ये देना नहीं चाहते। नहीं नहीं, अरे मैंने भद्रीना जी, मैंने सवाल क्या पूछा, क्या ये रास्ता ज्यादा बेहतर नहीं है कि पहले सामान जुटा लो रसोई में, फिर गैस जलाओ, नहीं तो गैस बेकार जाएगी जब आटा लेने जाओगे? वही तो बता रहा हूं, मैंने इनकी इनकी अग्निहोत्री जी सोच बदलनी पड़ेगी कि जब लोकतंत्र में किसानों से आप वार्ता नहीं करोगे, जमीन के मालिक से वार्ता नहीं करोगे, वहां क्या क्या व्यवधान है वो क्लियर नहीं करोगे, उससे पहले कंपनी से एमओयू कर लोगे और किसान को ये समझोगे कि मच्छर है निकाल के फेंक देंगे, अब तो पढ़ा लिखा हो गया किसान, बेवकूफ नहीं है किसान। ठीक बद्री जी, ठीक जवाब ले लूं, बद्री जी मैं जवाब ले लूं, विजय जी
न दूल्हा का पता, न दुल्हन का पता, न पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, न मंडप बना, न सेहरा आया, और बैंड वाले बुला खड़ा कर लिया। वो तो ओवर टाइम लगा ही देगा, वो कहे भैया मैं कब तक खड़ा रहूं, मेरे तो पैसा लगे खर्च हो रहा है, आ जाएगा ना अमिताभ जी। इसमें पहले आप मेरी पूरी बात सुन लो, बैंड वाले को तब बुलाइए जब मुहूर्त हो जाए, लड़की लड़का हो जाए, सब बिल्कुल व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए, बारात घर से निकलने को हो तो बुलाइए, तब वो डुगडुगी बजाना शुरू कर दे तो किसी का नुकसान नहीं। सरकारें ऐसा काम क्यों नहीं करती, किसी पार्टी की सरकार हो, ये जो भी प्रयोग हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया, कभी नहीं किया, जो मैं बता रहा हूं। पहले सारी लीगल सैंक्शन हो जाए। आपको पता है इस प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, ये कब का प्रोजेक्ट है, 2011 का प्रोजेक्ट है। आज इसमें बद्री जी बार बार उंगली मत उठाइए ना, आज इसमें पर्यावरण की क्लीयरेंस आई है। आज कितनी तारीख है यार, सारे तरह की क्लीयरेंसेस, सारे तरह के व्यवधान हटाने के बाद निर्माण करने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया जाए तो ये घाटे की स्थिति कभी बनेगी नहीं। विजय जी, नहीं आपकी बात बिल्कुल अच्छी बात है और इसको इस पे विचार निश्चित रूप से होना चाहिए। और दूसरी बात जो बद्री प्रसाद जी का मैंने पहले भी जिक्र किया, ये इनकी कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण ये निश्चित रूप से इस प्रकार से है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं कि राज्य लाठी के जोर पे कोई भी चीज नहीं हो सकती। अगर हिंदुस्तान के अंदर लाठी के जोर पे जमाया जाता तो हिंदुस्तान आजाद कभी नहीं हो सकता था, ये गलत बात है। वहां के लोगों को समझाइश हुई है, वहां के लोग अपने आप आए हैं। और ये मैं अमिताभ जी आपको बताऊं, जो 60% से लेकर वहां के हमने 7 दिन के अंदर जो हमारे अशोक जी परनामी जी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां के नेता भी हैं, उन्होंने अपनी जमीन वहां के जो वहां के निवासियों से बात करने के बाद मात्र 7 दिन के अंदर वहां की जमीन वहां के किसानों ने स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से दे दी। बगरू के आप देखिए, बगरू के अंदर जो हमारे विधायक है उन्होंने जब वहां के लोगों से समझाइश करी, उन्होंने हमारे रामचरण जी बोल रहे तो बद्री जी एक मिनट सवाल सुन लीजिएगा, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, छोटा जवाब दीजिएगा। पूर्व अशोक गहलोत की सरकार के वक्त क्या सरकार आप लोगों से बात करने के लिए आई कि हम ये परियोजना लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को कोई समस्या कोई दिक्कत? आवाज आई आपको? ना, दोबारा बोलना। जिस वक्त सरकार इसको लेकर आ रही थी इस परियोजना को, क्या आप लोगों से बात किया गया कि हम ये परियोजना लेकर आ रहे हैं, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत कोई समस्या? एक बार नहीं 10 बार बात हुई, हमने हमारी जो बात थी वो उनके सामने रखी जी, उनकी बात थी वो हमारे सामने रखी, हमने ये साफ साफ कह दिया था कि 360 मीटर हमें कतई मंजूर नहीं है जी, आवश्यकता है सिर्फ 90 मीटर रोड के लिए जमीन की, हम सशर्त देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये योजना थी 360 मीटर की गत भाजपा, इसका मतलब कांग्रेस के टाइम ये था क्या 360 मीटर एक्वायर करना है? कांग्रेस के टाइम पे इस योजना का अमली जमा पैनल लगे 2000 जब लास्ट में एक साल तक। अरे आप क्या, आपको भी आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं सियासत में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं बद्री नारायण जी वक्त हमारा खत्म हो गया, गिरिराज जी माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है, खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। नहीं, एक मैं तो एक ही बात कहूंगा, इसीलिए मैंने पार्टियों के नाम ही नहीं लिया। किसी पार्टी की सरकार हो, हिंदुस्तान में अगर लिटिगेशन से प्रोजेक्ट्स को बचाना है, लिटिगेशन भी प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा ले जाते हैं। मैं ऐसे 1000 प्रोजेक्ट बता दूं पूरे भारत भर में जहां 50 गुना 60 गुना तक लागत बढ़ गई है, अब वो प्रोजेक्ट चलाने ही बेकार हो गए, बनाने ही बेकार हो गए, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई। एक मुकदमा 10 साल खींच देता है, इसका एक ही रास्ता है, मुकदमा लड़ने से आप किसी को मना नहीं कर सकते। आदमी को लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, वो अदालत जाएगा, अदालत का निर्णय जब तक नहीं आएगा तब तक स्टे रहेगा, तमाम पहलू है, एक ही रास्ता है। कोई भी योजना लाइए, उस योजना से प्रभावित होने वाले लोगों की मंजूरी लीजिए, उनको समझाइए, कुछ उनकी मानिए कुछ अपनी मनवाइए, तमाम तरह की वैधानिक
जो परमिशंस होती हैं, मंजूरियां वो हासिल कर ले सरकार, उसके बाद कंपनियों को बुलाइए, तब एमओयू कीजिए। हजारों लाखों करोड़ रुपए सूबों का और केंद्र का बचेगा सिर्फ इतना करने से। मैं हैरान हूं, ये छोटी सी बात जो मेरे दिमाग में आ गई वो पिछले 30, 40, 50 साल से हिंदुस्तान और सूबे चलाने वालों के दिमाग में क्यों नहीं आई? ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो मैं बता रहा हूं विजय शर्मा जी, ये तो घर की हर महिला जानती है ना, सब्जी काट के रख लो, आटा गूंथ के रख लो, चकला बेलन निकाल के रख लो, ठीक है ना, दाल धो के रख लो, चावल धो के रख लो, तो गैस जलाओ, ये तो सब जानते हैं ना, जानते हैं ना, ये चक्की पर आटा पिसाने जाओ जब तभी गैस जला दो तो तू सिलेंडर फूक जाएगा। हर सरकार यही करती, हर सरकार, क्यों? उसके पीछे कारण दूसरे हैं, आज समय नहीं, नहीं वो उन पर भी चर्चा करता क्यों किया जाता ऐसा, ना समझी नहीं। ये तीन रास्ते जब तक नहीं अपनाए जाएंगे, मानकर चलिए हिंदुस्तान बढ़ रहा है, सड़क भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, एयरपोर्ट भी चाहिए, बंदरगाह भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जमीन वही है, उसी जमीन से सब बनेगा, सारी बातें बराबर हैं, विकास और खेती इसके बीच में संतुलन रखना होगा, ना विकास रोका जा सकता है ना खेती रोकी जा सकती है। लेकिन जो आज का विषय था कि ये लागत एकदम कैसे बढ़ जाती है, 33% करीब लागत बढ़ गई इस प्रोजेक्ट की, 33% लागत बढ़ गई, छोटी लागत नहीं बढ़ी, 33% बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, पर 1% 2% हो समझ में आता है बात, कभी सीमेंट के दाम बढ़ गए, कभी सरिया के दाम बढ़ गए, समझ आती है बात, 33% का इजाफा। इस सरकारों को बेहतर प्रबंधन सीखना होगा। लिटिगेशन का इंतजार करेंगे, लिटिगेशन को आमंत्रित करेंगे तो प्रोजेक्ट कभी पूरे नहीं होंगे, और कंपनी तो जिस दिन एमओयू साइन करती है उस दिन से उसका मीटर चालू हो जाता है, गिरिराज जी ठीक बात है ना, उसी दिन से उसका मीटर घूमना शुरू हो जाता है। और अगर आप उसको साल, दो साल, तीन साल तक जमीन ही नहीं दे पाएंगे तो स्वाभाविक है वो यही कहेगी जो आप कह रही है कि लाओ भाई अब तो 33% ज्यादा। इसलिए मेरा निवेदन है, कोई सरकार हो पहले किसानों से बात कीजिए, सारी मंजूरियां हासिल कीजिए वैधानिक, उसके बाद कंपनियों से एमओयू करिए, ताकि जब एक बार काम शुरू हो तो वो नारियल फोड़ने के और फीता काटने के बाद ही खत्म हो, बीच में काम रुके नहीं, बाधित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में बस इतना ही। बद्री नारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, विजय शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गिरिराज गर्ग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।